छतरपुर में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में हिंदू स्वाभिमान सुरक्षा मंच ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से पश्चिम बंगाल की सरकार पर कार्रवाई की मांग की है। मंच के माध्यम से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए टीएमसी के नेता के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। हिंदू स्वाभिमान सुरक्षा मंच ने आज माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन देने के उपरांत यह ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक जाएगा और हम संग मांग करते हैं कि हमारे देश में इस तरीके की सरकार को बर्खास्त करते हुए इस तरीके की बेमनुष्यतापूर्ण कार्रवाई जो शाहजहां शेख द्वारा हमारे भारत जैसे देश में उन्होंने की है, इस सबकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारे 135 करोड़ भारतवासी इस सब की निंदा करते हैं। यह अत्याचार या दुराचार अब नहीं सहा जाएगा। इसी भावना के साथ हिंदू स्वाभिमान मंच ने यहां पर एक ज्ञापन दिया है। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के संबंध में हिंदू समुदाय के द्वारा और यहां के स्थानीय नागरिकों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं उनके ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया जाए, एक राष्ट्रीय स्तर का जांच आयोग बनाया जाए और वहाँ के लोगों के जो संसाधन हैं उनकी सुरक्षा की जाए।